मस्जिदुल हराम में एक नमाज पढ़ना दूसरी जगह नमाज पढ़ने से 1 लाख बार ज्यादा है, ये हदीस है ना? तो ये कहाँ, कितने एरिया में नमाज पढ़ना मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ने के बराबर होगा? हुदूद हरम जो है वो, उसमें भी अगर पढ़ेंगे, जैसे अगर कोई जाता है वहां पे उमरा के लिए या हज के लिए, तो अगर अपनी जगह जहाँ पे वो रुका है वो जगह पर भी नमाज पढ़ेंगे तो वो ही काउंट होगा कि नहीं, ये पूछना है। बहन का सवाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि सलातुन फी मस्जिदी हादा अफ़दलु मिन अल्फ सलातिन फी मा सिवाहु इल्लल मस्जिद अल हराम वल मस्जिद अल अक्सा, कि मस्जिद हराम जो काबा की मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ने का सवाब जैसा कि बाद रिवायतों में आया है कि 1 लाख नमाजों से ज्यादा अफजल है। तो ये जो अफजलियत है कितने एरिया के लिए है, कहाँ पे मक्का के अंदर आप कहाँ नमाज पढ़ेंगे तो ये अफजलियत आपको हासिल होगी। बाज़ उलमा का तो ये मानना है कि हुदूद हरम जो है आप कहीं भी नमाज पढ़ेंगे तो ये फजीलत हासिल होगी, लेकिन वहीं पर बाज़ दीगर उलमा का, बल्कि बहुत बेशतर उलमा का मानना ये है कि ये फजीलत मस्जिद के लिए है। वो मस्जिद एक्सपेंड करके कितनी भी बड़ी बना दी जाए, वो चाहे 1 किलोमीटर तक अगर मस्जिद की तौसी कर दी जाए तो वो जगह उसमें दाखिल होगी, लेकिन मस्जिद के लिए है ये फजीलत, क्योंकि इल्लल मस्जिद अल हराम आया है, मस्जिद हराम की बात है ना कि हुदूद हरम की बात है। तो और यही कौल ज्यादा अकरब इल सवाब लग रहा है कि ये फजीलत मस्जिद के लिए है, वो मस्जिद चाहे जितनी बड़ी बना दी जाए। तो जब आप उमरा करने जाएं, हज करने जाएं, जहां पे भी आपकी रिहाइश हो, आप कोशिश करें कि आप मस्जिद के अंदर जाकर के नमाज पढ़ें। बहुत सारे लोग उस दूसरे वाले कौल पर अमल करते हुए वो अपने कमरों में या आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमें वो फजीलत मिल गई, गरचे इख्तलाफी मसला है और बाज उलमा इस बात की तरफ गए हैं, लेकिन भाई एहतियात का तकाजा भी यही है और दलील भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये फजीलत मस्जिद हराम के लिए है ना कि हदूद हरम के लिए।